करती है। देन कम द सोशल साइकोलॉजी, ये बेसिकली साइकोलॉजी के ही अंदर एक एरिया है जिसमें हम साइकोलॉजी को देखते हैं सोसाइटी के ऊपर। तो अब मैंने इसीलिए पहले सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझने के आसान हो, यानी कि ग्रुप्स की साइकोलॉजी क्या हो जाएगी। ओवरऑल सी इट्स ब्लेंड्स द कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन हाउ फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अदर, यानी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे इन्फ्लुएंस क्या है, लोग कैसे इफेक्ट कर रहे हैं दूसरे को। अब इसकी सादा सी मिसाल ले लें, जैसे आपके मोहल्ले में कोई बंदा जो है वो मिसाल पड़ोसन ने जो है वो नया नए टीवी ले आई है, नया कुछ फ्रिज ले आई है, तो ऑब्वियसली आपके घर में आपकी वाइफ आपकी वालदा ने भी देखा तो उनको भी होगा कि अच्छा वो तो बड़ा टीवी लाए हैं तो हमें भी लाना चाहिए। इसी दिस इज हाउ वन इज इफेक्टिंग दी अनदर, क्योंकि अब ये आपके माइंड पे उसका इफेक्ट हो गया कि घर में अपने वो नई चीज लेकर आए, नई गाड़ी या नया कुछ लेकर आए हैं, नई ड्रेसेस लेकर आए हैं, और वो जब आपके घर में किसी ने देखा या आपने देखा तो आपके माइंड पे उसका इफेक्ट हुआ एंड नाउ यू आर ऑल्सो टेकिंग इट एंड यू आर मोटिवेटेड टू बाय समथिंग बेटर देन दैट, राइट। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है कि लोग जो है वो दूसरे को इफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। वो जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो कैसे ग्रुप्स के अंदर आते हैं, एटीट्यूड कैसे चेंज होते हैं, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसिंग, ये स्पेशली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कि जी ये ग्रुप डायनामिक्स जो हैं इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं, एटीट्यूडनल चेंजेस हैं, इसको कैसे डील करना है। सोशल साइकोलॉजी का यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन कम्स एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज, कि सोसाइटीज कैसे फॉर्म कर रही होती हैं, कैसे बिल्डअप हो रही होती हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में, तो इसको भी हम बड़ी तफसीलन लेकर चलते हैं कि जी ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये सारी चीजें देखनी है तो हम इसको देखते हैं कि यार ये कैसे कल्चर बिल्ड कर रहे होते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी भी बेसिकली दो लफ्जों का ही मजमू है जिसमें हम एंथ्रोपो जो लफ्ज है ये ग्रीक में मैन को बोलते हैं एंथ्रोपो, ठीक है, और लॉजी मीन साइंस, यानी साइंस ऑफ मैन यानी साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, जिसमें हम उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जी कैसे लोग सिविलाइजेशंस कैसे बनाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की में बेसिकली हम देख रहे थे कि सिविलाइजेशंस कैसे बन रही होती हैं और ये सिविलाइजेशन फॉर्म कैसे होती हैं, कल्चर कैसे डेवलप होते हैं, कैसे आपस में क्रॉस जो सोसाइटीज हैं आपस में क्रॉस कल्चरल इश्यूज क्या क्या आते हैं, तो इसको हम देख रहे होते हैं। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अंडरस्टैंडिंग दी कल्चरल इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इफेक्ट्स ऑफ वैल्यू सिस्टम, नॉर्म, सेंटिमेंट्स, कोहिजन, इंट्रैक्शन। सो सोशियोलॉजी क्या करती है? सोशलाइजेशन, राइट। सो इट इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ऑफ वैल्यूज एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एम्प्लॉयज। क्या मतलब है सारी बात का? ये सारी बात का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर हैं ये कैसे फॉर्म होता है और ये कैसे जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ये नॉर्म्स कैसे बनती हैं चाहे वो ग्रुप की हैं या ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये ग्रुप्स की कंपैरेटिव वैल्यूज, कंपैरेटिव एटीट्यूड और क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, यानी एक ग्रुप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है दूसरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो कैसे ये कल्चर डेवलप हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। एक डिपार्टमेंट अच्छा होता है उसके लीडर जो है वो मे बी लीडर अच्छा होगा या जो भी है, तो वहाँ के जो टीम है वो बड़े ही अच्छे से काम कर रही है और दूसरी टीम जो है उसी कंपनी के अंदर वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वहाँ का कल्चर क्या बिल्ड हुआ, ये भी एक क्रॉस कल्चरल एनालिसिस हो जाएगा। तो ये ग्रुप से भी होता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी हमारे जब हम ग्रुप्स को पढ़ेंगे समझेंगे और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को समझेंगे, चाहे वो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन का चेंज सिस्टम है, चेंज कैसे लाना है, जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी हमें बड़ा असिस्ट करती है, हेल्प करती है। देन कम्स द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इसको सादा तरीन अगर अल्फाज में हम समझने की कोशिश करें तो ये होगा कि जैसे कि हम कहते हैं जी जिस तरह मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स हो रही होती है, दो से तीन पार्टीज हैं, चार पार्टियां हैं, वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, वहां भी पावर ऑफ बैलेंस बैलेंस ऑफ पावर का इशू होता है, ठीक है ना, कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जीएम्स हैं, ठीक है ना, ये जीएम सेल्स है, ये जीएम फाइनेंस है, ये जीएम एचआर है, ये जीएम एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर इनकी अपनी अपनी टीम्स होती हैं, अपने अपने लोग होते हैं,
अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं, फिर यहाँ पे वो जो होता है, वो जो कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पावर का इशू आता है, रस्साकशी जो होती है वो आती है कि कुछ हर ग्रुप डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पावर कैसे मेंटेन करना है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अमंग द डिपार्टमेंट एंड विद इन द डिपार्टमेंट, इंट्रा डिपार्टमेंट या इंटर डिपार्टमेंट, इसको कैसे मैनेज किया जाता है और ये किस किस्म के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस कैसे क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कैसे लाया जाता है। तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड पावर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पावर एंड पॉलिटिक्स बकायदा एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें यही सिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की जो में किस किस तरह की पॉलिटिक्स होती है और उस पॉलिटिक्स को आप कैसे सॉरी कैसे मैनेज करते हैं। तो ये है जी, ये वो मुख्तलिफ साइंसेस जो कि हमारे ओबी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं मुख्तलिफ लिहाज से। तो आप देखें, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है तो इससे हम पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें ओबी को समझना आसान हो जाए। साइकोलॉजी है तो लोगों के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम इम्प्लीमेंट करें और हमें लोगों के बिहेवियर्स की समझ आ जाए। वो सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी है तो हम ये समझते हैं सोसाइटीज़ हैं ये कैसे नॉर्म कैसे इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग हैं, जो चंद लोग हैं, 100 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनकी जो इंट्रैक्शन से बिहेवियर डेवलप होगा वो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, सो एंड सो फोर्थ। सो दीज आर दी फ्यू पॉपुलर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग साइंसेस व्हिच कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द फील्ड ऑफ ओबी। तो ये हमारे अब तक की डिस्कशन होगी जी। साइकोलॉजी मोस्टली इंडिविजुअल लेवल को इफेक्ट करेगी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये ग्रुप्स को भी इफेक्ट करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी, और पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करेंगे तो ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल इफेक्ट करती है, और ये सब मिला के तीनों लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रही है, तो ये बनती है हमारी स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। दिस इज हाउ दीज साइंसेस कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ ओपी। आई होप के अब तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है वो आपको समझ आ गई है। तो आप इस पे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर